हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ रोशनी और आज मैं बनाने जा रही हूँ बैंगन का भरता, जो बहुत ही सिंपल और इजी रेसिपी है। ये सभी घरों में बनाया जाता है, लोग इसे बहुत पसंद करते हैं। और मैं जिस मेथड से, जिस ट्रिक से आपको इसका रेसिपी बताऊंगी, उससे इसका टेस्ट और इसका फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा और इसे आपको गैस पर पकाने की भी ज़रूरत नहीं होगी। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बैंगन का भरता बनाने के लिए हमने यहाँ पर 2 बड़े साइज़ का बैंगन ले लिया है। इसे हमने अच्छे से वॉश कर लिया है। अब हम इसे छील लेंगे, पील कर लेंगे। इसके छिलके बहुत ही आसानी से उतर जाते हैं। बैंगन हमारे फ्रेश होने चाहिए। कोशिश कीजिए सीजन में इसे बनाने का, क्योंकि ऑफ सीजन में जो बैंगन होते हैं उसके अंदर बीज काफी होते हैं, जिससे टेस्ट इसका काफी लो हो जाता है बैंगन के भरता का। तो सीजन में अगर आप इसे बनाएंगे तो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। तो अब हम इसके छिलके हमने उतार दिए हैं। अब इसे बड़े बड़े साइज में देख सकते हैं हमने कैसे इसे कट कर लिया है। तो इस तरीके से हमने बड़े साइज में इसे पीसेस में कट कर लेंगे। अब हमने यहाँ पर ले लिया है गार्लिक, जिसे हमने अच्छे से छील लिया है। लगभग 8 से 10 गार्लिक आप क्लोव ले सकते हैं। यहाँ हमने गार्लिक को इसके अंदर इस तरीके से प्रेस करते हुए एक एक पीस हर एक टुकड़ों में डाल देंगे। ऐसा हम इसलिए करते हैं ताकि जब हम इसे प्रेशर कुकर में डालकर सीटी लगाएं तो पानी के साथ ही, पानी में जो गार्लिक है वो गलकर, जब हम बैंगन को छानेंगे तो पानी में जैसे ये गल जाता है गार्लिक, तो वो वेस्ट ना हो। तो इस तरीके से हमने सारे जो गार्लिक हैं इसमें बैंगन में डाल दिए हैं। अब प्रेशर कुकर में इसे हम डाल देंगे बैंगन को। इसमें से भी पानी रिलीज होता है, तो यहाँ पर सिर्फ हम 2 से 3 चम्मच पानी डालेंगे और इसे 4 सीटी इसमें हम लगाएंगे। यहाँ हमने कुछ चीज़ें ले ली है, जिसमें हमने लिया है 3 मीडियम साइज़ के अनियन, जिसे हमने चॉप कर लिया। यहाँ हमने ले लिया है टोमेटो 2 मीडियम साइज़ के, इसे भी हमने चॉप कर लिया है। अब हमने कुछ मसाले लिए हैं, जिसमें हमने लिया है सॉल्ट हम यहाँ पर यूज़ करेंगे 1 से 1.5 चम्मच। कोरिएंडर पाउडर भी हम यूज़ करेंगे 1 से 1.5 चम्मच। गरम मसाला पाउडर 1 चम्मच। हल्दी पाउडर 1 चम्मच और जीरा 1 चम्मच। हमने जितने 2 बैंगन के हिसाब से जो क्वांटिटी है वो लिया है। अब हम लेंगे कश्मीरी लाल मिर्च 1 चम्मच, अमचूर पाउडर 1/2 टेबल स्पून। यहाँ हमने कुछ मटर के दाने ले लिए हैं, लगभग 1/2 कटोरी हमने मटर के दाने लिए हैं। अब बैंगन हमारा उबल चुका है, सीटी निकलने तक हम इसे वेट करेंगे। सीटी निकलने के बाद इसे हम पानी से छान लेंगे। बहुत ही अच्छे से बैंगन, हमने 4 सीटी लगाई है, बहुत ही अच्छे से बैंगन हमारा गल गया है। और हम मैशर से इसे एक बार प्रेस करते हुए मैश कर लेंगे। तो अब जितने गार्लिक हमने इसमें डाले थे वो सारे बैंगन के साथ ही रह गए हैं, एक भी जो गार्लिक है वो वेस्ट नहीं हुआ है। इसे हम साथ में मैश कर लेंगे। अब हम एक पैन लेंगे, इसमें हम ऑयल डालेंगे। ऑयल हमने 3 से 4 चम्मच लिया है। जीरा डालेंगे और फिर अनियन ऐड करेंगे। मीडियम फ्लेम पे हम 2 मिनट के लिए अनियन को फ्राई करेंगे। फ्लेम को हम मीडियम ही रखेंगे और इसे कंटिन्यूअसली फ्राई करेंगे 2 मिनट तक। अब हम इसमें मटर के दाने ऐड करेंगे और इसे भी अनियन के साथ थोड़ी देर फ्राई करेंगे 1 से 1.5 मिनट। उसके बाद हम इसे कवर कर देंगे, लेड लगाकर हम इसे कवर करके 3 से 4 मिनट लो फ्लेम पर पकाएंगे। 3 से 4 मिनट बाद हमने लेड हटाकर चेक किया, आप देख सकते हैं लगभग 60-70% हमारा जो मटर है वो भी पक चुका है और अनियन भी फ्राई हो चुका है। अब हम यहाँ पर ऐड करेंगे टोमेटो, जिसे हमने चॉप कर लिया है। टोमेटो ऐड करने के बाद यहाँ पर हम सॉल्ट ऐड करेंगे। हमने 1.5 चम्मच सॉल्ट ऐड किया है। अब इसे हम फिर से ढक देंगे। हमने इसे 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पर कुक किया है, कवर करके लिड हटाकर। अब हम फिर से इसे एक बार मिक्स कर लेंगे। अब हम सारे मसाले 1 by 1 ऐड करेंगे। कोरिएंडर पाउडर हमने ऐड किया है 1.5 चम्मच, 1 चम्मच हल्दी पाउडर ऐड किया है और 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर। ये सारी चीज़ें डालकर हम इसे भून लेंगे।
मसालों को हम लगभग 2 से 3 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर कंटिन्यूसली स्टर करते हुए मसालों को अनियन और टोमेटो के साथ भूनेंगे। यहाँ हमने 1 चम्मच पानी ऐड किया है। मसाले हमारे जो बर्तन में है पैन में वो चिपक रहा था, तो इस वजह से हमने थोड़ा सा पानी जस्ट 1 टेबल स्पून ऐड करके इसे फ्राई किया है। इसे हम स्टर करते रहेंगे, बीच बीच में चलाते रहेंगे ताकि मसाले हमारे पैन में चिपके ना। अब हम यहाँ पर ऐड करेंगे मैश्ड, जो बैंगन हमने मैश कर लिया था उसे हम ऐड करेंगे। अब हम यहाँ पर ऐड करेंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर 1 टेबल स्पून, ये सिर्फ कलर के लिए हमने इसमें डाला है, और अमचूर पाउडर 1/2 टेबल स्पून। ये थोड़ी सी खटाई इसमें होती है, थोड़ा सा खट्टा टेस्ट आता है, तो बहुत ही अच्छा बैंगन का भरता, जो खट्टा टेस्ट आता है वो बहुत ही अच्छा लगता है बैंगन के भरता में। अब हम इसे कवर कर देंगे 1.5 से 2 मिनट के लिए, कवर करके हम इसे पकाएंगे। 1.5 से 2 मिनट हो चुके हैं, लिड हटाकर देखिए हमने, आप देख सकते हैं कितना अच्छा टेक्सचर, ये काफ़ी अच्छे से मैश हो चुका है। मटर के दाने अलग दिख रहे हैं, तो मटर के दाने जैसे बिल्कुल मैश नहीं हुए और बाकी सारी चीज़ें मिक्स हो चुकी हैं आपस में। अब हम इसमें बीच में थोड़ा सा, जो थोड़ी सी स्पेस क्रिएट करेंगे। अब वीडियो के शुरू में जो हमने आपको कहा था, जो ट्रिक मैं बताने जा रही हूँ जिससे इसका टेस्ट बहुत ही इंक्रीज होता है, उसके लिए हमने यहाँ पर एक चारकोल ले लिया है जो मार्केट में इसलिए अवेलेबल हो जाता है। इसे हमने ब्रेक करके हाफ कर लिया है और गैस पे इसे अच्छे से गर्म करेंगे। बहुत ही अच्छे से हमें इसे गर्म कर लेना है। गर्म करने के बाद हमने उस स्पेस के बीच में हमने एक कटोरी रखी है, उस कटोरी में इसे प्लेस करेंगे और इसमें घी के अलावा कोई भी ऑयल आप ऐड कर सकते हैं। हमने रिफाइन ऑयल ऐड किया है और ऑयल डालते ही हम इसे कवर करेंगे 2 मिनट के लिए। उसके बाद लिड हटाकर आप देख सकते हैं अंदर काफ़ी अच्छा सा इसमें टेस्ट आया है, बहुत ही अच्छा टेस्ट आया है। तो अब हम जो बोल है, चारकोल है, यहाँ से रिमूव कर देंगे। अब हम इसे सर्व करेंगे। इस तरीके से बनाने से इसका टेस्ट, वैसे नॉर्मली आप बिना चारकोल के भी बना सकते हैं तो नॉर्मल टेस्ट आता है, वो भी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन चारकोल के साथ इसका टेस्ट टोटली डिफरेंट होता है। अब हम यहाँ पर गार्निश करेंगे अनियन से, चॉप्ड अनियन से, चॉप्ड ग्रीन चिली से एंड चॉप्ड कोरिएंडर लीव से। आप चाहे तो लेमन के साथ भी इसे डेकोरेट कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा, बहुत टेस्टी होता है ये, हमारे घर में ये काफ़ी पसंद किया जाता है। मैं अक्सर इसी तरीके से बनाती हूँ। आपने अगर इस तरीके से कभी नहीं बनाया है तो प्लीज़ एक बार ट्राई कीजिए और ट्राई करके मुझे बताइए आपको ये रेसिपी कैसी लगी, आपको इसका टेस्ट कैसा लगा। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिए। मैं सजेस्ट करूँगी एक बार ज़रूर इस तरीके से आप बनाइए। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।